पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक ऐसे गायक की जिसने उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ा और बना लिया वो मकाम जो किसी और कलाकार के लिए बनाना बड़ा ही कठिन है। नाम है इनका पंकज उधास। पंकज उदास साहब का जन्म हुआ 17 मई सन 1951 में गुजरात के राजकोट इलाके के नज़दीक एक जगह है जेतपुर। इनके पिता का नाम है केशुभाई उदास और माँ जीतूबेन उदास। यह भी बताया जाता है क्योंकि ये जमींदार परिवार से थे तो इनके पिता का ताल्लुक खेती से था। ये जब बहुत छोटे ही थे तभी इनकी आवाज़ ने बता दिया था कि आगे जाकर ये गायक ही बनेंगे। एक वक्त ऐसा आया जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। तब इन्होंने गाना गाया था महफिल में, ए मेरे वतन के लोगों। इस गाने के लिए इन्हें 51 रुपए का उपहार मिला था। इनके बड़े भाई मनहर उदास फिल्मों में बहुत बड़े गायक पहले ही बन चुके थे और इनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी गजल गायकी में अपना एक मकाम बना चुके थे। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई सर BPTI भावनगर से। उसके बाद इनका परिवार मुंबई चला आया जहाँ पर पंकज उदास साहब ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। ये राजकोट के संगीत नाट्य अकेडमी का भी हिस्सा रहे जहाँ पर इन्होंने तबला बजाना सीखा। धीरे धीरे इन्होंने अपनी आवाज को और प्रशिक्षित किया। इनके गुरुजी रहे मास्टर नवरंग। अपने जमाने के मशहूर मारूफ संगीतकारा उषा खन्ना ने इन्हें फिल्म कामना में एक मौका दिया था जिस गीत के बोल लिखे थे नक्श लयालपुरी ने, लेकिन वो फिल्म कोई खास जलवा ना दिखा पाई। इन्होंने उर्दू भी सीखी और फिर मन मनाया कि क्यों ना ये विदेश चले जाएं। इन्होंने एक बार अपने बड़े भाई के टीचर से सुना कि यदि गजल गायकी में जाना है तो मेहदी हसन साहब और बेगम अख्तर को सुनो, और इन दोनों ही आवाजों का इन पे खासा असर रहा। Which I'm pursuing relentlessly, which I'm pursuing with passion, I followed it all my life with passion. पर धीरे धीरे ना उम्मीदी भी इनके ऊपर छा रही थी। तब इन्होंने विदेश जाने का फैसला किया, देश चुना कैनेडा। वहां पर ये पहुंचे भी और इन्हें अंदाजा लगा कि किस तरह से लोग हिंदुस्तानी संगीत के लिए दीवाने हैं, और फिर इन्होंने मन बनाया कि ये अपने देश में ही अपना नाम करेंगे। And I felt the need that we still need to do some more work. We need to connect again with the generation which is 14 and 16 and 18. इन्होंने विदेशों में कई गजल के कार्यक्रम किए और सन 1980 में इन्होंने अपनी पहली गजल एल्बम रिलीज करी जिसका नाम था आहट। फिर एक गाना आया चिट्ठी आई है जो इतना मकबूल हुआ कि पंकज उदास रातों रात छा गए। And there was one wonderful way of getting the entire generation into this fold of ghazal singing. उसके बाद तो फिल्म संगीत रहा कि गजल गायकी, हर जगह पंकज उदास के ही नाम का बोलबाला रहा। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे मशहूर गजल गायकों में से एक माने जाते हैं। इनका गाया हुआ गाना ना कजरे की धार जो कि फिल्म मोहरा का हिस्सा था सुपरहिट साबित हुआ। साजन ये दिल्लगी नाम फिर तेरी कहानी याद आई, इन तमाम फिल्मों में पंकज उदास साहब के गानों ने सभी का मन मोह लिया। ये बात भी गौर करने लायक है कि मशहूर मारूफ एक्टर जॉन अब्राहम पंकज उदास साहब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। When I came into this industry as a model, the first person who graciously accepted me in a music video was इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ फरीदा जी से। साल रहा सन 1982। इस शादी से इन्हें दो बेटियां हुईं, रेवा और नायाब। यकीनन वो दौर जब पंकज उदास साहब ने शुरुआत करी थी तब मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब और मुकेश जी की आवाजों का बोलबाला था। उन तमाम दिग्गज नामों के बीच पंकज उदास साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया। हालांकि गजल गायकी में जगजीत सिंह साहब, भूपिंदर सिंह साहब ने भी बहुत महारत हासिल कर रखी थी, पर इन्होंने अपना मुख्तलिफ अंदाज दिखाकर सभी का मन जीता। For the last three decades, I've been working to promote
this form of music which is ghazal, this particular genre. भारतीय सिनेमा और गजल गायकी की दुनिया में पंकज उदास जैसा ना कोई है और ना ही कोई और होगा। I think it's very overwhelming and wonderful to hear. महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।